तो ग्रोथ ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, और ग्रोथ ऑफ फंक्शन में आपके पास मान लीजिए कि ये सिनेरियो गिवन है कि आपके पास कुछ फंक्शंस गिवन है और आपको बताना है कि किसकी ग्रोथ फास्टर होगी और किसकी ग्रोथ स्लोअर होगी। तो जैसे जैसे एन हमारी इंक्रीज होगी, एन की वैल्यू, वैसे वैसे हमारी ये वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी। और अगर हमें इसका ऑर्डर करना है तो हम सबसे पहले एन की एक लार्ज वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। लेट से एन की वैल्यू हमारी है 2^128। तो अगर एन की वैल्यू को हमने 2 के पावर्स में लिया, और ये क्यों लिया 2 के पावर्स में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि हम लॉग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो लॉग है वो मेरा base 2 का लॉग है, और दूसरा क्या है कि अगर हम √N की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अगर हम 2 का इवन पावर लेंगे तो उस केस में हम उसको एग्जैक्टली हाफ ऑफ में डिवाइड कर सकते हैं पावर्स को। तो अगर एन की वैल्यू 2^128 है तो इस वैल्यूज के लिए हम इन सभी फंक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये 10 की वैल्यू तो 10 ही रहेगी क्योंकि एन से इंडिपेंडेंट है। 100/n की जो वैल्यू होगी वो 100/2^128, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद जो लॉग एन है, लॉग एन विल बिकम log^2^128। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 128, इधर आ जाएगा मेरा। तो 128 into log^2^2, आप जानते हैं कि सेम बेस में लॉग की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए 128 into 1 इसकी वैल्यू हो गई 128। फिर √N की क्या वैल्यू होगी, √2^128, और इसको हम ये कह सकते हैं कि √2^64 multiplied with 2^64, और इससे हम जब निकालेंगे अंडर रूट तो ये 2^64 वैल्यू आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली एन की वैल्यू तो 2^128 है ही। तो आपको दिख रहा होगा कि हम ऑर्डर अप कर सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है 100/n, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी सबसे स्लो ग्रोथ है। ये एक्चुअली एन की जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती रहेंगी ये वैल्यूज हमारी और छोटी होती जाएगी। ये कांस्टेंट है, ये सेकंड नंबर पे होगा। एंड देन उसके बाद लॉग एन की वैल्यू नेक्स्ट हम कह सकते हैं, या नेक्स्ट को हम कहेंगे कि इसका सबसे स्लो ग्रोथ है। एंड देन √N की जो ग्रोथ है वो फोर्थ नंबर पे हम कहेंगे क्योंकि एन की जो ग्रोथ है वो 2^128 है, तो ये 4 नंबर हो गया, और एन जो होगा वो मेरा 5 नंबर पे होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि 100/n की ग्रोथ सबसे स्लो है, देन फॉलोड बाई 10 जो कि कांस्टेंट रहेगा, एंड देन उसके बाद लॉग एन का जो ग्रोथ है वो इससे थोड़ा सा फास्ट है, एंड देन चौथे नंबर पे √N है जिसका ग्रोथ इससे फास्टर है, और सबसे तेज जो ग्रोथ होगी वो एन की होगी। और इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया ये फंक्शंस को। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हैं एन है और log^n^100। यही केवल 2 फंक्शन हमें गिवन है और हमें ये पता करना है कि इनमें लार्ज ग्रोथ किसकी होगी। तो मान लीजिए कि हम एन की एक वैल्यू पिक कर रहे हैं और 2^64 वैल्यू जो हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं एन की, एक बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यू हमने ले लिया। सो अगर ये वैल्यू होगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2^64, और log^n^100 की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी log^2^64 एंड दैट √100। अगर आप 64 को इधर लेके आएंगे तो दिस विल बी 64^100, और 64 को अगर आप कह सकते हैं कि 2^ सिक्स कह सकते हैं आप, एंड देन √100, और 2^6 × 100 की वैल्यू होगी 2^6 multiplied with 100, दैट इज इक्वल्स टू 2^600। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो एन की वैल्यू है या एन का जो ग्रोथ है वो स्लोअर है log^n^100 से। लेकिन अगर हम एक थोड़ी सी लार्ज वैल्यू लें तो हो सकता है हमारी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हो। उस केस में लेट से हमने एन की एक वैल्यू ले ली 2^1024, तो एन की वैल्यू तो ऑब्वियसली 2^1024 ही होगी। और अगर हम log^n^100 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो हम रख लेते हैं 2^1024 एन रेस टू द पावर 100। सो log^2^1024 से मुझे 1024 अलग करना होगा, इसको हम इधर लेके आ सकते हैं। सो दिस बिकम्स 1024 raised to the power 100, एंड देन आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो गई 2^10,
एन रेज टू द पावर 100, सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 1000। तो आपके पास एन की वैल्यू थी 2 रेज टू द पावर 1024, और इसके बाद जो लॉग एन से हमने लॉग एन रेज टू द पावर 100 की वैल्यू कैलकुलेट की, उससे ये 2 रेज टू द पावर 1000 आया। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हमें दिख रहा है कि एन की जो वैल्यू है वो लॉग एन रेज टू द पावर 100 से ज्यादा है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमें दिखा कि एन जो है वो स्लो ग्रोथ हो रही है इसकी, लेकिन बड़ी वैल्यूज के लिए, और बड़ी वैल्यूज के लिए जब हमने देखा तो हमें पता चला कि जो एन की ग्रोथ है वो लॉग एन रेज टू द पावर से ज्यादा है। तो इसलिए हमने ये कहा कि एन इज ग्रेटर देन लॉग एन रेज टू द पावर 100। ये मेरा निष्कर्ष निकलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के हिसाब से इसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लॉग एन रेज टू द पावर 100 इज लेस देन एन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और फंक्शंस के साथ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को पढ़ेंगे।